बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अक़वाल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया, खुदा को नाराज़ करके लोगों को राज़ी ना करो, क्योंकि लोगों के बदले दूसरे लोग मिल सकते हैं, मगर खुदा के बदले दूसरा खुदा नहीं मिल सकता। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें बुलंद मुकाम देने वाला है। जो हक से मुंह मोड़ता है तबाह हो जाता है। कोई कमज़ोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो कि बहादुरों का काम माफ़ कर देना है, और माफ़ करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। लोगों से याद ना करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सब कुछ भूल सकता है। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हों, इस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन इसके होते हैं जो हक की बात कहता है। जो शख्स मौत को याद रखता है वो थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश हो जाता है। तौबा रूह का गुसल है, जितनी बार किया जाए रूह में निखार पैदा होता है। तीन रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। मोहब्बत दूर के लोगों को करीब और अदावत करीब के लोगों को दूर कर देती है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी जाहिर कर दो। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। ज़िंदगी के तीन उसूल बना लो। इससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। इसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। इससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पे एतबार करता है। इंसान के किरदार की दो मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। दुनिया का अमीर शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों। जो अपनी ज़रूरियात बढ़ा लेता है इसे अक्सर महरूमी का गम रहता है। तीन चीज़ें ईमान को तबाह कर देती हैं, अमीरों की महफिल, औरतों की मोहब्बत, जाहिलों से बहस। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे इस शख्स पे ताज्जुब होता है जो रोज़ देखता है कि इसकी सांसें और उम्र कम हो रही है, लेकिन वो मौत के लिए तैयारी नहीं करता। जो शख्स सजदों में रोता है इसे तकदीर पे रोना नहीं पड़ता।